नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोगों को यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का सामान्य जनरल स्टडीज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपके आए हैं एग्जाम में। ठीक है, और जो भी आपका आंसर इस किताब में लिखा हुआ है केबीसी नैनो किताब में, ठीक है, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, लाइन बाई लाइन। तो आज का हमारा जीएस पेपर 1, तो जीएस पेपर 1 का सेक्शन 1 जो आपका है भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें हम स्वतंत्रता संग्राम के क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 11 होगा। ठीक है, तो आज हम आपका क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। ठीक है, और आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों का परीक्षण कीजिए। और यह आपका क्वेश्चन 60 से 62वीं बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, स्वतंत्रता संग्राम का। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों का परीक्षण कीजिए। और की टू आंसर, तो आंसर करने का जो भी आपका पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति गुट निरपेक्षता एवं पंचशील पर आधारित थी और इसके प्रमुख लक्षणों का वर्णन करें। ठीक है, तो 1946 में, तो 1946 में जब पहली बार भारतीयों को अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से निर्धारण करने का अवसर मिला, तो उस समय तक संसार लगभग दो गुटों में बढ़ चुका था। तो 1946 में जब पहली बार भारतीयों को अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से जो है निर्धारण करने का अवसर मिला, तो उस समय तक संसार आपका जो है जो जितने भी देश है लगभग दो गुटों में बढ़ चुका था। ठीक है, दोनों गुट के नेता अन्य दुर्बल शक्तियों को तो दोनों गुट के नेता अन्य दुर्बल शक्तियों को अपने गुट में सम्मिलित होने के लिए दबाव डाल रहे थे 1946 में। तो 1946 में जब भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, तो 1946 में जब भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने अपनी विदेश नीति का ब्यौरा इस प्रकार दिया था। ठीक है, तो यथासंभव हम दोनों गुटों की शक्तियों की राजनीति से यथासंभव हम दोनों गुटों की शक्तियों की राजनीति से जहां दो गुट एक दूसरे के विरुद्ध डटे हुए हैं से दूर रहना चाहते, क्योंकि संसार का दो गुटों में बंटना ही दोनों विश्व युद्धों का कारण था। ठीक है, हमारे अनुसार सिद्धांत और व्यवहार में सभी जातियों के लिए समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। हम किसी देश पर प्रभुत्व नहीं चाहते और न ही हम अपने लिए औरों पर कोई विशेषाधिकार चाहते हैं। ठीक है, तो यथासंभव हम दोनों गुटों की शक्तियों की राजनीति से जहाँ दो गुट एक दूसरे के विरुद्ध डटे हुए से दूर रहना चाहते, क्योंकि संसार का दो गुटों में बंटना ही दोनों विश्व युद्ध का कारण था। हमारे अनुसार सिद्धांत और व्यवहार में सभी जातियों के लिए समान अवसर प्राप्त होना चाहिए और हम किसी देश पर प्रभुत्व नहीं चाहते और न ही हम अपने लिए औरों पर कोई विशेषाधिकार चाहते हैं। नेहरू का भारतीय विदेश नीति के उद्भव और विकास में मुख्य योगदान यह था कि तो नेहरू का भारतीय विदेश नीति के उद्भव और विकास में मुख्य योगदान यह था कि उन्होंने निष्पक्षता अथवा समदूरी की नीति को अपनाया तथा भारत को दोनों गुटों से दूर रखा। ठीक है, निष्पक्षता की नीति का मुख्य तत्व यह था कि प्रत्येक प्रश्न पर स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लिया जाए तथा किसी एक गुट के प्रभाव में आकर निर्णय न लिया जाए। ठीक है, नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही है कि शांति निस्तरीकरण तथा समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को महत्व दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाया जा सके। ठीक है, तो नेहरू का भारतीय विदेश नीति के उद्भव और विकास में मुख्य योगदान यह था कि उन्होंने निष्पक्षता अथवा समदूरी की नीति को अपनाया तथा भारत को दोनों गुट से दूर रखा। निष्पक्षता की नीति का मुख्य तत्व यह था कि प्रत्येक प्रश्न पर स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लिया जाए तथा किसी एक गुट के प्रभाव में आकर निर्णय न लिया जाए। नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही है कि शांति निस्तरीकरण तथा समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को जो है महत्व दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत ने अपनी 1 मिनट भारत ने अपनी भारत ने अपने निष्पक्ष रुख पर अधिक बल देने के लिए मिस्र के नासिर तथा यूगोस्लाविया के टीटो के साथ मिलकर गुट निरपेक्षता की नींव रखी।
और इस निष्पक्ष कॉन्फ्रेंस की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि एक समय पर लगभग 100 देश इसके सक्रिय सदस्य थे। इसका मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्रता, शांति, निस्तरीकरण तथा आर्थिक विकास। ठीक है, भारत ने अपने निष्पक्ष रूप पर अधिक बल देने के लिए मिस्र के नासिर तथा यूगोस्लाविया के टीटो के साथ मिलकर गुट निरपेक्षता की नींव रखी और इस निष्पक्ष कॉन्फ्रेंस की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि एक समय पर लगभग 100 देश इसके सक्रिय सदस्य थे। और इसका मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्रता, शांति, निस्तरीकरण तथा आर्थिक विकास। पंडित जवाहरलाल नेहरू के विदेश नीति के दर्शन हम भारत चीन के बीच हुए पंचशील समझौते में देख सकते हैं। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के विदेश नीति के दर्शन हम भारत चीन के बीच हुए पंचशील समझौते 1954 में देख सकते हैं, जो इस प्रकार है। तो पहला, एक दूसरे के क्षेत्रों तथा प्रभुसत्ता का आदर करेंगे। अनाक्रमण की नीति अपनाएंगे। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और समानता तथा आपसी लाभ पर बल देंगे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का अनुसरण करेंगे। ठीक है, नेहरू द्वारा शुरू की गई यह पंचशील नीति दशकों से भारत के विदेश नीति की धुरी रही। छोटे से छोटे देशों को भी बराबरी का दर्जा देने की नीति की शुरुआत नेहरू जी द्वारा की गई थी। इस पंचशील नीति को कई अन्य देशों द्वारा अपने देश की विदेश नीति में शामिल किया गया है। ठीक है, नेहरू के विदेश नीति के संदर्भ में ही भारत की परमाणु सशस्त्र नीति भी बनाई गई। और इस नीति के द्वारा भारत ही एक ऐसा परमाणु संपन्न देश है जो अपने परमाणु शस्त्र के रक्षक पीतेश्वर नमेश की नीति द्वारा संचालित करता है, जिसे कई मौके पर अन्य देशों द्वारा सराहना भी मिली है। ठीक है, नेहरू की सबसे बढ़िया सफलता संभवतः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ही छिपी थी। ठीक है, उनकी पहली असफलता बिना सोचे समझे कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाना था तथा शांति स्थापित होने के बाद कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव रखना भी था। इस प्रकार भारत चीन सीमा विवाद के संदर्भ में भी समस्या का सही निर्णय न लेना भी एक बड़ी असफलता में गिना जाता है। वह भारत के लिए दो ऐसी समस्याएं छोड़ गए जिन्हें सुलझाना कठिन है। ठीक है, इस प्रकार यदि हमें नेहरू के विदेश नीति का मूल्यांकन करना हो तो यह नकारात्मक सकारात्मक दोनों होते हुए भी कश्मीर और चीन नीति को जो छोड़ दें तो भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। उनकी भारत रूस मैत्री नीति आज अभी देश को सफलता प्रदान कर रहा है। और नेहरू जी द्वारा शुरू की गई गुट निरपेक्षता का सिद्धांत आज भी भारत की विदेश नीति का मार्गदर्शन करता है। विदेश नीति में दिया गया इसका योगदान भारतीय इतिहास में सदा अविस्मरणीय रहेगा। हजारों वर्ष पुराने इतिहास के सफर में भी हमारी सांस्कृतिक विरासत की शांति, अहिंसा और सहनशीलता में भी वसुधैव कुटुंबकम एवं विश्व कल्याण का भावना रही है। और साधन और साथ दोनों की पवित्रता में विश्वास ही हमारी विदेश नीति की नींव रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का जो राइट आंसर है आपका की टू रिमेंबर, तो भारत की स्वतंत्रता के समय विश्व परिदृश्य नेहरू की गुट निरपेक्षता या तटस्थता की नीति तथा अन्य देशों की सहभागिता, पंचशील सिद्धांत और नेहरू के विदेश नीति का आलोचना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन करने के लिए आपको पॉइंट याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कल क्वेश्चन नंबर 12 होगा किसान विद्रोह के लिए चंपारण सत्याग्रह के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बताइए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।